सोमवार को योगी के मंत्री संजय निषाद से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। खबर थी कि कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संत कबीर नगर में हमला हो गया। असल में संजय निषाद पर हमला हुआ नहीं बल्कि खुद उनकी कारिस्तानी का ये नतीजा है। ये दावा करने वाले हैं अखिलेश के नेता आईपी सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसको दिखाकर वो कह रहे हैं कि मंत्री संजय निषाद नाटकबाज की सच्चाई देखे खुद हाथापाई कर रहा है। अखिलेश के नेता ने योगी के मंत्री को नाटकबाज बताते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने संजय निषाद के साथ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई बयां कर दी। बतौर आईपी से सुरक्षा का इतना लावलश्कर लेकर चलने वालों को कोई कैसे मार पीट सकता है, पर उन्होंने यह अफवाह फैलाई। विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के मोहम्मदपुर कठार गाँव में हरिराम निषाद के वहाँ शादी समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुँचे थे। ग्रामीण उनसे वर्षों से टूटी सड़क पर सवाल करने लगे। उनके बेटे सांसद ने वादा किया था उसके बावजूद सड़क नहीं बनवाई। इतना सुनते ही सांसद प्रवीण निषाद का पिता डॉक्टर संजय निषाद आग बबूला हो गया। वो भद्दी भद्दी गालियां देते हुए स्वयं हाथापाई पर उतर गए और ग्रामीणों से मारपीट करने लगा जो वीडियो में साफ दिख रहा है। एक दर्जन सुरक्षा गार्ड व स्टाफ के साथ लोकल पुलिस के होते हुए मंत्री स्वयं मारपीट करने लगा। बाद में स्वयं को मारपीट का शिकार बताकर FIR दर्ज करवाई और घटना को राजनीतिक रंग दे दिया। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ धरने पर बैठकर सपा को बदनाम करने की साजिश कर दी जो महज एक राजनीतिक स्टंट है। इन्होंने स्वयं इस घटना को घटित किया और अब निर्दोष ग्रामीणों पर मंत्री का धौंस जमाकर उत्पीड़न करना चाहते हैं। पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है जो अति निंदनीय है। दरअसल संजय निषाद रविवार रात शादी समारोह में संत कबीर नगर गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले को लेकर मंत्री जी उनके समर्थक और बीजेपी वाले सपा पर आरोप लगा रहे हैं। अब पार्टी पर आरोप लगे तो अखिलेश के नेता भी कहां छोड़ने वाले हैं।